हाँ जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा हारमोनियम खरीदना चाहिए जिससे आप अपना रियाज शुरू कर सकते हैं। और एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो हारमोनियम मैं अमेजोन पे दिखा रहा हूँ, ये हारमोनियम एकदम बेस्ट होते हैं। इनमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती। अगर कोई दिक्कत आती तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। 10 दिन की आपके पास टाइम होता है, आप 10 दिन में उसको रिटर्न करके दोबारा नया पीस मंगवा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला हारमोनियम मेरी नजर में है, आप देख सकते हैं ये जो हारमोनियम है, ये बिल्कुल शुरुआती हारमोनियम। मेरे पास भी एक सेम ऐसा हारमोनियम है। जब मैंने सीखना शुरू किया था 2011 में, तो मैंने सेम एज इट इज ऐसा ही हारमोनियम लिया था और अभी भी मेरे पास है और बिल्कुल एकदम मस्त चल रहा है। उसमें किसी तरीके की अभी तक मैंने उसमें कोई रिपेयर नहीं करवाई। और इस हारमोनियम का जो प्राइस है, ये 6,5500 यहाँ पे बता रहा है आपको। भी मार्केट में भी इससे शायद 200-300 कम में मिल जाए। सेम हारमोनियम ये खरीद सकते हैं। बिगनिंग के लिए, शुरुआत के लिए हारमोनियम एकदम बेस्ट है। आप इस पे शुरू कर सकते हैं अपना रियाज। और उसके बाद आप देख सकते हैं सेम ये भी हारमोनियम वैसा ही है बनावट में। शायद हो सकता है इसमें थोड़ा एक आधा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया होगा। इसका जो प्राइस है 6,300 रुपये। और इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है ज्यादा, जो मैंने आपको पहले दिखाया। बस फर्क ये हो सकता है कि शायद ये कंपनी किसी और का, और कंपनी की वजह से थोड़ा ज्यादा चार्ज कर रहे हो। हारमोनियम दोनों सेम है। देन उसके बाद जो तीसरा हारमोनियम है, ये भी मेरे पास हारमोनियम है। इसको मैं पर्सनल यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ इंस्ट्रूमेंट मैं मंगवा के भी देता हूँ, जैसे कोई किसी की रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से मैं इंस्ट्रूमेंट के साथ डील करता रहता हूँ। तो ये मेरे पास हारमोनियम है। ये भी पर्सनली बिगिनर टू एडवांस लेवल के लिए ये हारमोनियम बहुत अच्छा है। तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। इन सभी हारमोनियम के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। अगर आपके बजट अच्छा तो आप ये हारमोनियम खरीद सकते हैं। उस हारमोनियम को खरीदने के बजाय इस हारमोनियम को खरीद लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। देन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये जो हारमोनियम अभी तक मैंने आपको दिखा दी, इन सभी में दो दो रीड होते हैं। दो रीड नॉर्मल हारमोनियम दो रीड वाली होते हैं। जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाते जाएंगे, आपकी जो बजट बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से हारमोनियम में आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी। जैसे किसी में 3 रीड मिलेंगे, किसी में 4 मिलेंगे, है ना, वो आपके प्राइस के ऊपर है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट हारमोनियम आता है एसजी म्यूजिकल का, तो ये हारमोनियम भी बहुत अच्छा है। इसको हम बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में बोले तो इसको सफरी हारमोनियम बोलते हैं, या फिर इसको कुछ लोग कैरी हारमोनियम बोलते हैं, क्योंकि ये ना एक अटैची की तरह बंद हो जाता है और एक छोटा सा बन जाता है। तो आप इस हारमोनियम को भी खरीद सकते हैं। ये भी एक बिगनर टू एडवांस, यानी कि जो भी हारमोनियम, ये बिगनर भी बजा सकता है और एडवांस भी बजा सकता है। मैंने इसीलिए बोल रहा हूँ बिगनर टू एडवांस, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ बिगनर वालों के लिए, कोई भी प्रोफेशनल वाला भी ये बजा सकता है, ठीक है, क्योंकि जो हारमोनियम है सभी प्रोफेशनल हारमोनियम है। देन उससे थोड़ा दिखने में अच्छा क्वालिटी वाइज, ये भी एक हारमोनियम थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है दिखने में, और ये अच्छा हारमोनियम, ये मार्केट रेट में ही आपको मिल रहे। मैं एक चीज देख के बहुत हैरान हूँ कि मार्केट में भी ऐसा हारमोनियम सेम इसी प्राइस में मिल रहा है। तो अमेजोन पे भी सेम वैसा ही प्राइस है, इसमें कुछ ज्यादा महंगा नहीं दिखाया जा रहा है। तो आप इस हारमोनियम को भी खरीद सकते हैं। ये थोड़ा वही है, पोर्टेबल है, आप इसको बंद कर सकते हो, ये छोटा सा साइज में हो जाएगा, तो आप इसको कैरी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा हारमोनियम, आप इसको भी बाई कर सकते हैं, सारा बजट का खेल है। देन उसके बाद आता है सुरोबानी हारमोनियम पोर्टेबल 3। 3 का मतलब ये, आप देख रहे साइड में 3 लिखा हुआ, इसका मतलब ये कि इसमें 3 रीड है। तो ये हारमोनियम बहुत अच्छा है, इसमें 3 रीड, जैसे जितने ज्यादा रीड होंगे उतना अच्छा हारमोनियम का साउंड होगा, उतना उसकी जो बजने की जो क्वालिटी होगी वो सुंदर होगी। तो ये 3 रीड वाला हारमोनियम है। इसका जो प्राइस आप देख रहे हैं 22,550 अमेजोन पे। अगर आप डायरेक्टली सुरोबानी से डील करें, शायद वो आपको थोड़ा बहुत कम कर दे, बाकी आप अमेजोन से बाई कर सकते हैं। अच्छा रिकमेंडेशन है मेरा, आप इस हारमोनियम के लिए भी जा सकते हैं। देन उसके बाद आते हैं, ये जो मैंने हारमोनियम अभी तक यहां तक दिखाई, ये नॉर्मल हारमोनियम है, यानी कि जो कि हर एक इंसान के लिए अफोर्डेबल होते हैं, है ना, और एक अच्छे क्वालिटी के हारमोनियम। इनमें किसी में भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं आती। ये हारमोनियम की जो लाइफ है 15 15 20 20 साल लाइफ है। आपको एक बार अच्छे से ट्यून करवा लो इनको और खराब होने की दिक्कत नहीं आती। क्योंकि मैं जो पर्सनली हारमोनियम यूज कर रहा हूँ, मेरे पास 2011 के हारमोनियम, मैंने आज तक उसको ट्यून नहीं करवाया दोबारा। वो आपकी संभाल के ऊपर डिपेंड करता है हारमोनियम, ठीक है। देन उसके बाद हो जाते हैं स्केल चेंजर शुरू। स्केल चेंजर एक प्रोफेशनल हारमोनियम आ जाता है। जैसे आप देखते हो बड़े बड़े जो सिंगर होते हैं, जैसे अनूप जलोटा जो हो गए, या फिर गुलाम अली साहब हो गए, है ना, जो बड़े बड़े सिंगर जो स्टेज पे हारमोनियम कैरी करते हैं, वो स्केल चेंजर करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि स्केल बनाए, तो वो फट से उस हारमोनियम पे स्केल चेंज करके आप अपना गाना शुरू कर देते हैं। ये प्रोफेशनल हारमोनियम है। इसकी जो कीमत आप देख लीजिए, लगभग ये 60,000 के अराउंड है। आप इसको बाई कर सकते हैं। ये जो स्केल चेंजर हारमोनियम है, इतनी प्राइस में ही मिल जाते हैं। ये आपको 40,000 से शुरू होके 1 लाख तक मिल जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप खरीद सकते हैं। और इसी तरह ये दूसरा एक स्केल चेंजर आता है। स्केल चेंजर में 3 कैटेगरी आती है। एक आता है 7 स्केल चेंजर, सॉरी 9 स्केल चेंजर, और 13 स्केल चेंजर, और 7 11 स्केल चेंजर, है ना।
तीन कैटेगरी आती है, 9 स्केल चेंजर, 11 स्केल चेंजर एंड 13 स्केल चेंजर। तो टोटल आप जो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप चाहते हैं कि मेरे को 9 स्केल चेंज वाला चाहिए जिसमें खाली आपके 9 ही स्केल चेंज होंगे, तो आप 9 वाला खरीद सकते हैं। अगर आप 11 वाला खरीदना चाहते हैं तो 11 खरीद। अब देख रहे हो ना यहाँ पे, देखिए ये जो है ना स्केल बने हो, तो इस हारमोनियम में आप देख सकते हैं टोटल 13 स्केल चेंज होंगे और 13 4 सेट ऑफ रीड, यानी कि इसमें 4 रीड के सेट हैं और 13 स्केल ये चेंज करता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ी थोड़ी स्पेसिफिकेशन भी बता रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली आप देखिए 4 रीड लगे होंगे, तो हारमोनियम बजने में कितना अट्रैक्टिव होगा, उसका साउंड कितना जबरदस्त होगा। और आप उसमें दूसरी बात है कि आप उसमें 13 स्केल चेंज कर सकते हैं। देन ये देखिए इसमें लिखा हो 3 रीड, इस हारमोनियम में 3 रीड है और 9 स्केल चेंज कर सकते हैं आप, है ना। तो ऊपर मेंशन भी है उसमें कितने रीड है और आप उसमें कितने स्केल चेंज कर सकते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको जो आपको अच्छा लगे वो बाई कर सकते हैं। बाकी ये सभी ब्रांडेड ट्रस्टेबल हैं, इनमें किसी तरीके की कोई खराबी नहीं आती। अगर खराबी आती भी, अगर आप अमेजोन से बाई कर सकते हो, तो आप 10 दिन में उसको रिप्लेस करके चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद आती है कि आपको रियाज के लिए तानपुरा कौन सा लेना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप खाली नॉर्मल ज्यादा बजट महंगा तानपुरा नहीं लेना चाहते, तो आप इस तानपुरा पे जा सकते हो। ये है रेडियल का डिजिटल तानपुरा। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा मैनुअल तानपुरा से डिजिटल तानपुरा अच्छा है। आप इसको ट्यून करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपको बस एक स्केल सेट करना है, आपको कहाँ से कौन सी स्केल से रियाज करना है, पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, आप उस पे लगाइए और अपना रियाज कर सकते हैं। लेकिन जो मैनुअल तानपुरा होते हैं उनको ट्यून करने का बहुत झंझट रहता है। आप एक बिगिनर लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल काम है, एक प्रोफेशनल के लिए माथा पच्ची वाला काम हो जाता है, तो बिगिनर के लिए तो वो तो है ही। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा लीजिए। अगर ज्यादा बजट नहीं है तो आप इस तानपुरे पे जा सकते हैं। अगर आप इससे अच्छा वाला लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, आप ये वाला ले सकते हैं। ये है रागनी का, जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ पिछले 8 साल से, आज तक मेरे को इस तानपुरे में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप ले सकते हैं, 2,000 का डिफरेंस है। तो ये सबसे बेस्ट तानपुरा है, आप इस पे अपना किसी भी तरीके का रियाज कर सकते हैं, चाहे वोकल का है, चाहे हारमोनियम, कुछ भी किसी भी तरीके का रियाज कर सकते हैं। देन उससे थोड़ा और अगर अच्छा जाना चाहे तो आप इस, हालांकि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस कंपनी का डिफरेंस है, जो ब्रांड का डिफरेंस है। बाकी हारमोनियम और सॉरी तानपुरी दोनों ही एक जैसे हैं बजने में, बस ये है कि वो 6,000 का है और ये आपका 8,000 का है। बस प्राइस का कंपनी के ब्रांड की वजह से डिफरेंस, और साउंड क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। देन उसके बाद आते हैं डिजिटल तबला। एक है डिजिटल तबला एंड तानपुरा, इसमें तबला भी चलेगा और तानपुरा भी चलेगा। बट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप अलग अलग लीजिए, जिसमें तबला अलग हो तानपुरा अलग हो, क्योंकि देखो मिक्स लोगे तो उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसके साथ क्वालिटी में थोड़ा फर्क होगा और उसमें ज्यादा ताल नहीं मिलेगा। अगर जी आप तबला एंड तानपुरा खरीदें जिसमें तानपुरा भी और तबला भी, इसमें आपको ज्यादा रिदम नहीं मिलेंगे, है ना, प्रैक्टिस के लिए। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, उससे अच्छा आप इस तबले को लीजिए, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूँ। मेरे को काफी टाइम हो गया इसको यूज करे, तो मैंने यही बाय किया था। आप देख सकते हैं परचेज दिस ऑन 9 नवंबर 2019। तो आप, मेरा भी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप रियाज के लिए तबला लेना चाहते हैं तो ये वाला तबला लीजिए, और रियाज के लिए जो तानपुरा लेना चाहते हैं तो आप ये वाला रागनी का लीजिए। तो ये छोटी छोटी कोशिश थी आप सबको समझाने के लिए कि आपको कौन सी चीज खरीदनी चाहिए रियाज के लिए। आपका जो मन हो आप उस चीज को खरीदिए, अपने बजट को देख के चलिए। ये जो सारे जो मैंने अभी तक दिखाए सभी ट्रस्टेबल हैं, इनमें किसी तरीके की कोई खराबी नहीं आती। अगर बाई चांस आपको मंगवाते टाइम कुछ टूट जाता तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, आपके पास 10 दिन का टाइम होता है, आपको वो चेंज होके मिल जाएगा। और इन सभी प्रोडक्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप अपनी जरूरत के हिसाब से आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट मंगवा सकते हैं। ये बेसिक टू एडवांस सभी तरीके के इंस्ट्रूमेंट हैं, आप इनको खरीद सकते हैं, इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। होप मेरा समझाने का तरीके से आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि आपको कौन सी चीज खरीदनी चाहिए, आपके लिए कौन सी चीज सही है। फिर भी कोई दिक्कत लगे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। धन्यवाद।